10 लाख का ईयरली प्रॉफिट, 10 लाख का ईयरली मेंटेनेंस और 30 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन इंडिविजुअल्स के लिए सच में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? ये बिजनेस अभी इंडिया के टॉप ट्रेंडिंग बिजनेसेस में से एक है, बट हाउ मच आर यू रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट? अगर आप 5 चार्जर वाला ईवी स्टेशन सेटअप करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 30 लाख का होगा, विच विल कवर चार्जर्स का कॉस्ट 19 लाख रुपए, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कॉस्ट 7.5 लाख रुपए, सिविल वर्क, फ्लोरिंग और सेटअप कॉस्ट 2.5 लाख रुपए और सॉफ्टवेयर एंड आईटी का कॉस्ट 40,000 से 50,000 रुपए। अब देखते हैं कि आपका ईयरली एक्सपेंस कितना होगा। टेक्नीशियंस और मेंटेनेंस स्टाफ कॉस्ट 3 से 3.5 लाख रुपए, लैंड लीजिंग कॉस्ट 6 से 6.5 लाख रुपए। ये हुआ अप्रॉक्सिमेटली 10 लाख का एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर आप इस स्टेशन को इसकी 80% कैपेसिटी पर भी चलाते हैं तो आपकी ग्रॉस इनकम होगी 20 लाख रुपए और आपका ईयरली नेट प्रॉफिट होगा 10 लाख रुपए। अब अगर आपके पास खुद की जमीन है तो आपका प्रॉफिट 15 लाख तक का हो सकता है, और अगर आप अपने चार्जिंग स्टेशन पर रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स और दूसरे आइटम सेल करते हैं तो आप महीने का एक्स्ट्रा 5 से 10 हजार कमा सकते हैं। तो एक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ईवी चार्जर्स, ट्रांसफार्मर और सबस्टेशन विद सेफ्टी मेजर्स, मीटरिंग या टर्मिनेशन के लिए 33x11 केवी केबल्स, एक वेल कंस्ट्रक्टेड स्पेस, एक अच्छी लोकेशन जो वेल कनेक्टेड हो, एक स्पेस जिसमें ईवीज पार्क और कंफर्टेबली चार्ज हो पाए, एनओसीज एंड परमिशंस फ्रॉम लोकल बॉडीज, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको कोई और स्पेशल लाइसेंस नहीं चाहिए। अब समझते हैं कि ईवी चार्जिंग के लिए कितने टाइप के चार्जर्स होते हैं। डीसी चार्जर्स ईवीज को बहुत जल्दी चार्ज करते हैं लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। एसी चार्जर्स ईवीज को चार्ज तो स्लोली करते हैं पर ये अफोर्डेबल होते हैं। इन चार्जर्स में भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी, डिजाइन एंड मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर क्या इंडिया में इतने चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है? यस, यस एंड यस। इंडिया में आज लगभग 5000 से 6000 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। गवर्नमेंट के टारगेट के हिसाब से 2030 तक इंडिया में 5 करोड़ ईवीज होंगी और उनके लिए 20 लाख चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी इंडिया में हर 32 ईवी के लिए एक चार्जिंग स्टेशन है, जो काफी कम है कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, जहां हर 18 ईवी पर एक चार्जिंग स्टेशन है। तो फिर ईवीज किस पेस पर इंडिया में ग्रो हो रहे हैं? अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, 2019 से 2021 के बीच इंडिया में 2-व्हीलर ईवीज रोज बाय 422%, 3-व्हीलर्स बाय 75% एंड 4-व्हीलर्स बाय 230%। इन फैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस आल्सो इंक्रीज्ड बाय 1200% ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंडियन गवर्नमेंट ईवीज को काफी प्रमोट कर रही है और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस और सब्सिडीज भी रोल आउट किए हैं। गवर्नमेंट का 2030 गोल है कि इंडिया में 30% प्राइवेट कार्स, 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स और 80% 2 and 3 व्हीलर ईवीज हो। ईवीज क्या सच में पेट्रोल कार से बेटर है? हमारी और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ईवीज को पुश कर रही हैं बिकॉज ईवीज के कई सारे फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ईवीज इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, जिससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। ईवीज पेट्रोल के कंपैरिजन में 5 times बेटर माइलेज और एफिशिएंसी भी देती हैं। ईवीज का मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है क्योंकि इनके पार्ट्स बहुत इजीली मैनेज हो सकते हैं। आप इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को मदद मिलेगी। इंडिया में अभी ईवी रेवोल्यूशन बस शुरू ही हुआ है, ये अगले कुछ सालों में बहुत ग्रो करेगा और डिमांड भी जनरेट करेगा। अगर आपको भी ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस शुरू करना है तो ये एक इंटरेस्टिंग टाइम है। पर याद रहे कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है और इसमें आप रातों रात करोड़पति नहीं बनेंगे। बिजनेस शुरू करना हो या इन्वेस्टिंग करनी हो, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचने में ही भलाई है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऑप्शंस चेक करने हैं तो आप नावी ऐप जरूर चेकआउट करें। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मिलेट्स पर हमारा ये वीडियो जरूर देखें। ज्वाइन आवर ट्राइब, करो सब्सक्राइब।